चोरा मेरे मज पम्मण मनि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम्मण मनि सिखा पदंग सर। थैंक यू सर। हाँ जी करमवीर सर। ठीक है ओके सर, बाद में बोलता हूँ सर जी। जी करमवीर सर आए आप सर। जी, थैंक यू प्रियार जी। जय भीम नमो बुद्धाय टू ऑल। मैं करमवीर सिंह चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ और बाबा साहब मैं आपका मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बहुत नारे सुनते हैं तो दबादब लगाते हैं लेकिन रिजल्ट क्या आता है सभी हम जानते हैं कि मिलकर पूरा करेंगे, मिलने का कारण क्या होगा। हम नारे लगाते हैं जय 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 भीम लगाते हैं, अच्छी बात लगाएं लेकिन उसके पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते कि हो क्या रहा है। हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे आरक्षण बचाने का मामला हो चाहे दम फैलाने का मामला हो, लेकिन दम में तो हम कह सकते कुछ घरों तक पहुंचे लेकिन जो लड़ाई थी संवैधानिक अधिकारों की वो हमारी दिन प्रतिदिन खत्म होती थी। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली के अंबेडकर भवन में या तो उसके लिए जो लड़ाइयां लड़ रहे थे दिन प्रतिदिन देखा कि भी जो ना दुनिया भर की रैलियां की लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो 2003 के बाद सोचना आरंभ कर दिया कि भैया जो लड़ाई लड़ रहे हैं दबादब संगठन बन रहे हैं, दबादब जो है ना संघर्ष हो रहा है और ये कहा जाए कि देश में अगर सबसे ज्यादा कोई संघर्ष कर रहा है तो सवर्ण समाज कर रहा है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार जितनी पॉपुलेशन है क्या सोचा जाए कि भी क्या उतने अधिकार हमें मिले, क्या वो मान सम्मान मिला, क्या आजादी से हमारे जो मंत्री हैं जिसमें हमारा रिजर्वेशन पूरा है राजनीति में, क्या वो आजादी से बोल पा रहे हैं, क्या अपने जो मूल अधिकारों को बचा पा रहे हैं, क्या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं क्या आजादी से काम कर पा रहे हैं। हम ये कहते हैं 85% तो कहते हैं लेकिन बाबा साहब ने जैसे 6743 जातियां बनाई, मैं लोगों ने कहते हैं काउंटिंग करते हैं, बाबा साहब ने तो केवल SC ST OBC और माइनॉरिटीज केवल 4 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। और बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन हमने संगठित होने के बजाय संगठनों पर जोर दे दिया। तो आज कितने कम से कम 19-20 लाख जो है ना भारतवर्ष में संगठन रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट में है जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी गिनती नहीं है, लेकिन उसमें भी कम से कम 4-5 लाख संगठन जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। एक दूसरा समाज का कोई रैली करता है अपने सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है, हमें क्यों नहीं अधिकार मिल रहे, क्यों नहीं मान सम्मान मिल रहा। तो इसके ऊपर हम नहीं सोचते लेकिन रोजाना सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हम बड़े बड़े भाषण दे दिया सबको मनुवादी करके, ब्राह्मण ब्राह्मण करके, हमने रोजाना गालियां बकर खुश होते हैं और ताड़ियां बजा देते हैं। हमारे इसमें जो वी द पीपल जो हमने संघ बनाया क्यों, क्या मजबूरी आई, किस प्रकार की सोच पैदा की जाए, तो इन बातों के लिए इसलिए सोचा गया कि भी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके जो अधिकार मिलने चाहे नहीं मिले। जैसे कि कोई भी आदमी मजदूर लेबर मजदूरी करता है तो शाम को वेट करता है कि मुझे मजदूरी मिले, तो वो अगर मजदूरी ना मिले तो आप मानोगे कि वो 10-20 दिन के बाद जाएगा क्या काम करने, वहां नहीं जाएगा। लेकिन हमारे संगठनों ने या जो बाबा साहब के जो तथाकथित अनुयायी हैं, जो बुद्ध के अनुयायी, हमारे महापुरुषों के अनुयायी कहने वाले लोग हैं, पीछे मुड़के नहीं देखते। जयंतियों पर जब जयंती आती है तो उसमें हम लोग जो है ना जयंतियां मना लेते हैं और श्याम को बिल बना लेते हैं उसका खाने का, और आप देखेंगे जब प्रोग्राम होगा तो उस समय आदमी कम होंगे लेकिन जब खाना खाने की बारी आएगी तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रात को सोचेंगे कि भी हमने काम कर दिया, और जयंती आती जब ही जागते दिन में कोई नहीं इकट्ठा होता। तो इन कमियों के कारण हम दूसरों को गाली बक बक के अपने आप को मन के अंदर सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं ताकि मुंह में या मिठू बन जाते हैं। और दिन प्रतिदिन आपकी जो बाबा साहब जो बात कह के गए थे कि कारवां बड़ी मुश्किल से बड़े संघर्ष के साथ बड़े मुसीबत के साथ बड़े जो है ना अपमान सहन करके भी
मैंने इस कारवां को आगे बढ़ाया। हो सके तो इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, अगर ना हो सके कम से कम जो कारवां मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ वहां तक तो रखना। तो क्या जितने लोग बैठे हैं 296 लोग जो ना इस समय मीटिंग में बैठे हैं वो अपने आप जो ना दिल पर हाथ रखकर देखे कि क्या हम उस कारवां को आगे बढ़ा पा रहे हैं। कारवां दिन प्रतिदिन हमारा पीछे जा रहा है। इसके पीछे मनुष्य जो ना, हम तो मनुष्य हैं, दिमाग वाले आदमी हैं, पशु पक्षी इवन और भी कोई भी जो ना जीव जो है वो सोच लेता है कि भैया यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, इस प्रकार से हम रह रहे यहाँ मर जाएंगे, वो भी सोच लेते हैं। लेकिन हम लोग नहीं सोच पा रहे। हम सारे जितने भी संगठन है, जो 19 लाख संगठन है, जो 4-5 सक्रिय संगठन लाख संगठन है, उनके सारे नेता, सारे प्रधान ये सोचते हो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ये लोग दूसरों के बकाए में आकर जो ना उनकी बातें मान लेते हैं, अपनी बात नहीं करते। रोजाना आप देखते होंगे कि हम जो ना काफी जो लोगों की पिटाई, जो केवल 5% लोग हैं वो लोग आपकी पिटाई करते हुए मिलेंगे, और हम जहां भी भाषण देंगे कि वहां तमाम ये उनको गाड़ी बकते हुए मिलेंगे जो मुट्ठी भर लोग हैं, हमने उनको ताकतवर बना दिया। अरे गाड़ी तो मैं कह सकता हूँ, पहले मुझे भी गुस्सा आता था, सुधीर राज जी पे भी गुस्सा आता था, ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया इस प्रकार का गया था। क्योंकि सुधीर जी ने और हमने लगातार 20-22 साल से 25 साल से लगातार संघर्ष किया, लेकिन सुधीर जी ने जितना ये समन संघ और जो ना पाली भाषा में जो धम को जो लेकर आए, जिस तरह सिखाया, जो हमारे रीति रिवाजों के बारे में बताया, हमारे गौरव में इतिहास के बारे में बताया, उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, तो हमें बुरा लगता था। लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर गाड़ी पकड़ी है तो अपने लोगों को बको, गाड़ी पकड़ी है तो अपने संगठनों को बको, अगर गाड़ी पकड़ी है तो उनको गाड़ी बक बक के मजबूत मत बनाओ। इसलिए आप लोगों से ये जो ने फैसला लिया गया कि ये जो संघ है, ये जो विदा पीपल है, हम अकेले नहीं है, हम बार बार जितने भी हम सारे लोग कहते हैं मैंने ये किया और गर्व से कहते हैं कि मैंने इतने संगठनों में काम किया। अरे भाई इतने संगठनों में काम कर रहे हो तो आपने समाज को तोड़ दिया। अगर आप अलग अलग जो ना सरकार के सामने ये मैसेज दोगे कि हम अलग अलग टुकड़ों में हैं तो आपकी बात कौन मानेगा? आपके मंत्रियों की बात क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि आप दोबारा वो लोग चुने नहीं जाते, वो दूसरी पार्टियों पर आधारित हैं, इसलिए आपकी बात नहीं करते। आपका कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, जो आईएएस अफसर, आईएएस तो लगभग बराबर है जो रिजर्वेशन में जो आते हैं, क्यों आजादी से काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उसके नीचे जो सबोर्डिनेट है वो काम जो ना तथाकथित जो ना अपने आप को उच्च जाति का मानता है वो काम कर लेता है, और हमारा जो अधिकारी है वो काम कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता कि उसके पीछे नहीं है, उसके पीछे राजनीतिक शक्ति नहीं है, उसके पीछे जो ना लोगों की शक्ति नहीं है, इसलिए अपना निर्णय ले पाता। इसलिए दिन प्रतिदिन आप एजुकेशन में देखो क्या हाल हो रहा है, नई शिक्षा नीति क्या आ रही है, आप ये देखो कि जो ना आपका रिजर्वेशन कहाँ जा रहा है, आपका बजट का हिस्सा जो पीछे डिबेट भी चल रहा था वो कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है, जो ना यानी तमाम एट्रोसिटी होती है तो उस पर न्याय नहीं मिलता, जितनी एट्रोसिटी जो होती है उसमें केस दर्ज नहीं होते, लेकिन तमाम चीजों के लिए दिन प्रतिदिन आपकी कमी होती जाती है। तो क्या होगा, कैसे बचेंगे, क्या करना चाहिए? इसलिए विदा पीपल का जो ना जो हम जो ना संगठित होते थे, हम हर शनिवार को जो ना बैठकर बुध से भी पहले भी जो ना हम जो ना बैठकर अपना निर्णय करते थे कि हमने समाज को आगे कैसे बढ़ना, एक दूसरे की कैसे हेल्प होती है। और ये तो मैंने अपने गांव में देखा, मैंने खुद पंचायत में होते हुए भी देखा कि हम पंचायत में दरिया बिछाते थे, 85 में दरिया बिछाते थे, और दरिया खुद बिछाकर वहां जो ना निर्णय हम पंचायत में होते भी, पंचायत के मुखिया होने के कारण भी जो ना हम नहीं वहां मुखिया होते थे, वहां गांव के लोग चुनते थे, ये मेरे गांव की प्रथा थी। तो वो चीज आज हम जो पता लगती है कि भी ऐसे होता है तो वो होता था, और गांव का तमाम गांव की एक साल में एक बार 6 महीने में एक मीटिंग होती, आम सभा बोलते थे, तो आम सभा का मतलब क्या था कि सारे गांव के लोगों को उस दिन बुलाया जाता था। तो इसलिए जो आम सभा में उसमें क्या होता है, कोई प्रधान नहीं होता, तो इसलिए समन संघ बनाया गया, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे, या मैंने ऐसा काम कराया, वो चीज खत्म करके यहाँ नेतागिरी खत्म की गई। ये फैसला लिया गया 2003-04 में ही कि भैया यहाँ नेता नहीं होना चाहिए, चलते 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 ये जाकर 18-19-20 में जाके बात बनी,
और सभी संगठनों को बुलाया गया, दिल्ली के अंदर मीटिंगें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भैया जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। उस समय श्रमण संघ याद नहीं आया था, श्रमण संघ बाद में याद आया। शुरू शुरू में हमने ये लोग जोड़े, जिस दिन से वी द पीपल के बारे में बात करने लगे, संघ के बाद बात करने लगे, श्रमण लोगों की बात करने लगे कि इस देश में केवल दो ही प्रकार के लोग हुए, लेकिन दो प्रकार के नहीं थे। भूतकाल में तो केवल एक ही प्रकार के लोग थे, समन लोग थे। चाहे कोई भी होता था वो अपने उसमें अपने संग में लेकर जो उसको उसी विचारधारा का जो समानता में विश्वास रखता हो बनाने की कोशिश की। बुद्ध ने भी इस संघ को अप्रिशिएट किया, संघ जो ने इसको आगे बढ़ाया। और उसी कंसेप्ट पर बाबा साहब ने भी इस संघ रूपी जो ना, आपने देखा होगा आजकल पेपर में बहस चल रही है राष्ट्रवाद, राष्ट्र जो ना राष्ट्र और जो ना संघ, एक तरफ से एक संघ की कल्पना कर रहे हैं, घटकों को मिलकर राज्यों को समूह को मिलकर उसको संघ किया जा रहा है। एक कर राष्ट्र रहिए, राष्ट्र जैसे हमारा घटक वो राष्ट्र होता है। इस पर भी मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि हम इस पर भी बहस करेंगे, राष्ट्र और संघ क्या होता है। तो जो संघ है हमारा, जो हमारी ताकत थी वो दूसरों ने ले ली, और वो संघ के कारण आप देखते होंगे आज देश में जो उन्होंने जो हमारा कंसेप्ट था, दूसरे जो ब्राह्मण लोगों ने जो विपरीत बुद्धि के लोग थे, जो आपस में भेदभाव करने वाले लोग थे, उन्होंने अपना संघ बनाया और आज देखते हो कितना ताकतवर उन्होंने अपना आपको बना लिया। लेकिन हमारा संघ उससे भी मजबूत है। कैसे मजबूत है? इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें कोई पद नहीं है, इसमें सारे बराबर हैं, इसमें कोई जो है ऊंच नीच नहीं है, इसमें कोई जो है ना बड़ा छोटा नहीं है, इसमें जो है ना कोई कोई स्टेज पर बैठेगा नहीं, बैठेंगे सारे बराबर बैठेंगे, या तो सारे दरी पर बैठेंगे या सारे जो है ना कुर्सियों पर बैठेंगे, और ना इसमें कोई खर्चा, कोई पैसे लिए जाते, कहते पैसे के बगैर कैसे काम चलेगा। भैया संघ में जो है ना, जो भी अगर छोटा मोटा खर्चा होता है तो जो संघ में पार्टिसिपेट करेंगे, जिस दिन पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे 13 तारीख को हमारे हरियाणा में भादरगढ़ में प्रोग्राम किया जा रहा है, तो वहां कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जा रहा, पैसा उसी दिन इकट्ठा होगा अगर खर्च होगा छोटा मोटा, कोई चाय का खर्चा या छोटा मोटा खर्चा हुआ 10-20-50-100-200 रुपए, उसी दिन इकट्ठा होगा, हर एक आदमी से नहीं होगा। अगर 200 रुपये खर्च करना होगा तो सारे 10-10 रुपए 5-5 रुपए इकट्ठे करेंगे और जितना इकट्ठा करेंगे उसी दिन इकट्ठा करके खत्म कर देंगे। और जो जो मीटिंग होती है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसी दिन वहां उसी समय का जो ना हमारा जो ना एक सभापति लगा लो या कुछ भी लगा लो, हम उस दिन उसका चुनाव करते हैं, ताकि हर आदमी इसमें जो ना काम करने के लिए स्वतंत्र है। कोई आदमी किसी प्रकार का काम कर सकता है, कोई आदमी किसी प्रकार का काम कर सकता है। तो इसलिए मैं आपस में ये कंपटीशन नहीं है कि बीएस आजाद तो पत्रकारिता का काम करेगा तो मैं भी वही काम करूंगा, नहीं भैया, आपके हाथ में क्या काम आप वो करें। आप लोगों को जो ना कैसे इसको कैसे मजबूत बनाए, इसका एक हमने फार्मूला ढूंढा है। फार्मूला क्या है कि 1+10 के कम से कम एक मैं और 10 आदमी तक मैं कम से कम जाऊं। अच्छी बात है कि वो ज्यादा ज्यादा लोगों के पास जाए, लेकिन इसमें अपने 10 आदमी जोड़कर, जो आपने 10 आदमी जोड़े उनके 10 बनवाने की कोशिश करें, अपना 11वां आदमी बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसके बनाए, जैसे हमने बीएस आजाद जी को जोड़ दिया तो उसके जो आदमी 10 में उसके बनवाऊ, फिर अगले 10 बनवाए, बीएस आजाद या दूसरे और जो साथी हैं, सुधीर जी ने 10 बना दिए या शर्मिला जी उसने जो और साथियों ने बना दिए, तो उनमें क्या है कि हम आदमियों को जोड़ेंगे तो फैलेंगे। और तो इसमें हमने जो है ना, जैसे ब्राह्मण क्या करता है, कहीं भी बैठता है वही बात करता है, अपनी बात करता है, अपने जो है ना वो चुप नहीं रहता, चाहे वो चाहे मरगत हो, चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, चाहे कोई भी मामला हो, अपना चुप नहीं, हम नीचे नाड़ करके बैठ जाते हैं, कोई भी कुछ कह जाए। लेकिन हम लोगों ने जो श्रमण संघ है, आपने जो ना सारे सारे जो ना सारे जो ना के प्रचारक हैं, यहाँ इस संघ में केवल किसी का जो है ना प्रमोशन नहीं होता, केवल एक थोड़ा सा हमने सपोक्स बनाए आपस में। सपोक्स का काम क्या है, थोड़ा सीनियोरिटी होगी, सीनियोरिटी और जूनियर का जरूर यहाँ थोड़ा हमने थोड़ा अंतर रखा है कि जो सीनियर आदमी है उसकी हम सीनियोरिटी, क्योंकि पहले वो संघ में आया है, संघ में आया तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, वो आदमी हमारा सीनियर है। लेकिन ये कहे कि कोई आज आदमी आ गया बहुत छोटा है, लेकिन ये भी नहीं है कि भी जो ना वो बड़े आदमी की या जो सीनियर आदमी को, वो सीनियर आदमी होगा तो उसकी हमने इज्जत करनी होगी। यहाँ बहुत बढ़िया बात हमने जो ना इसको संघ में लेके आए हैं कि सभी की रिस्पेक्ट करेंगे, आदमी को हम सर कहेंगे और जो ना कोई भी लेडी जो उसको बहन जी कहकर पुकारेंगे, ताकि हम सभी बराबर से चलें, किसी को ये ना हो कि भी उसको ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, उसको कम रिस्पेक्ट हो रही है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जो ना मैं राजनीतिक जो है, संघ राजनीति नहीं करेगा। कुछ साथी इसी पर जो ना बहस करते हैं कि संघ राजनीति नहीं करेगा, भैया संघ जो है, जो हमारा वी द पीपल संघ है, वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे मजबूत हो जाएंगे, सारी राजनीतिक पार्टियां आपके
पैरों में गिरेगी, आपके जो ना घर आएगी आपकी बात मानेगी, क्योंकि कि मैं हरियाणा मिनिस्ट्री में हूँ, मैंने पता है कि जो जिसकी ताकत होती है सीएम के पास अगर 10-20 लोग आ जाते हैं इकट्ठे होकर, वो उस दिन जितने भी काम लेकर आ जाते हैं वो करवा के जाते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे हैं। और इकट्ठे होने से, जुड़ने से, जुड़े और जोड़ने से क्या ताकत मिली, आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ। 2 अप्रैल 2018 को कोई नेता था या किसी संगठन ने इसका आह्वान किया? नहीं किया, लेकिन लोगों में गुस्सा था वन बाय वन, और उसी टाइम जो है ना एट्रोसिटी एक्ट में जो है बदलाव किया गया और लोगों में गुस्सा आया। और मैं ये बताना चाहता हूँ सब साथियों, केवल एट्रोसिटी का मामला नहीं था, उसके साथ साथ दूसरे इशू भी थे, वो चाहे रिजर्वेशन का इशू था, चाहे वो हमारा जो है ना एजुकेशन का इशू था, वन बाय वन जैसे जैसे हमारे अधिकार मारे जा रहे थे, लेकिन एकदम एट्रोसिटी वाला भी आ गया तो लोगों में गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो बंद का आह्वान किया, और बंद का आह्वान ऐसा किया लोग रोडों पर निकले आए, कोई नहीं देखा कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन आके कर रहा है, लेकिन जो है ना सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। हम जो है ना मैं उसमें काफी संगठन जो सीनियर संगठन कहते हैं अपने आप को, बड़े संगठन कहते हैं, तो उस प्रोग्राम का विरोध किया था कुछ साथी बोले, लेकिन फिर भी जीत के आए। और अभी अभी हाल में किसानों ने जितने संगठन थे पूरे देश के, उन्होंने क्या किया बताएं, आप प्रधान था क्या डकैत, कोई प्रधान था या और कोई साथी प्रधान था उसमें? कोई प्रधान नहीं था, वही संघ की कंसेप्ट पकड़े हैं लोगों ने, सारे लोगों का एक संघ बना दिया, 10-12-15 जो किसान संगठन थे उन्होंने क्या किया, संघ बनाया और जीत के। तो इसलिए हम संघ में अगर काम करेंगे और इस संघ को गांव गांव तक लेके जाएंगे, अभी अभियान बनाया चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर क्या होगा कि नेट की प्रॉब्लम है वहां हम जा नहीं पा रहे, उसके लिए आप लोग जितने लोग बैठे हैं उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नंबर ले और मोबाइल पर जो हमारा प्रोग्राम चलता है उनको शेयर करें और शेयर करेंगे तो बात सुनेंगे, ये बात हमारी घर घर तक जानी चाहिए। जो आज प्रोग्राम है, आज 8 महीने से ऊपर का समय हो गया साथियों, और 8 महीने में लगातार एक दिन भी मीटिंग नहीं रुकी है, लगातार मीटिंग चल रही है हमारी, और उसमें इतनी बड़ी मीटिंग है कभी नहीं हुई, और ये संघ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लाखों लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इसमें सभी राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं, केवल देश का नहीं है, दूसरे राज्यों के लोग भी, आज भी हमारे दूसरे साथी काफी जो विदेशों से जुड़ रहे हैं और जो ना इस कंसेप्ट की सराहना कर रहे हैं, लेकिन केवल सराहना सराहना से काम नहीं चलेगा, हमें मेहनत करनी होगी, हमें घर घर जाना पड़ेगा, आपके जो यारे प्यारे रिश्तेदार हैं उनको जोड़ना होगा, अपने परिवार को जोड़ना होगा, अपनी बीबी को भी साथ बैठाना, बच्चों को भी साथ बैठाना होगा, उसके लिए हम जो ना इसमें कुछ बदलाव सारे साथी मिलकर, कोई भी बात आती है तो उसको सदन बनाया हुआ है, सदन में जो ना स्पीकर का चुनाव होता है, कोई भी प्रस्ताव लेके आ सकता है कि अब हमने ऐसे काम करना, उस पर चर्चा होती है और बहुमत से वो प्रस्ताव पास होता है, और बहुमत से जो प्रस्ताव पास होता है तो उसको हम लागू करते हैं। एक आदमी की यहाँ कोई नहीं है, सुधीर जी का बार बार नाम क्यों आता है, सुधीर जी को मैं भी साधुवाद करता हूँ, हालांकि वो छोटा भाई है, लेकिन उसमें क्या है कि सुधीर जी ने का अच्छा काम किया है, सुधीर जी ने जो समण संघ के बारे में और जो ना दम के बारे में जितना ज्ञान प्राप्त किया है मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन हमारे में सबसे ज्यादा सरल तरीके से बताने का तरीका और असलियत हिस्ट्री को निकाल के लाना साथियों, ये छोटी बात नहीं है। और सबको अनुरोध है कि आप लोग सारे सुधीर राज बने, आप सारे लोग बुद्ध बने, आप सारे लोग अंबेडकर बने, आप सारे गुरु रविदास और कबीर बने, परियार बने, जो हमारे महापुरुष हैं उस पर आप काम करें, आप बिल लेकर आए, आप विचार लेकर आए और अपने जो है यहाँ सदन में रखे उसको पास कराएं। हम क्या कर सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि जुड़ने और जोड़ने से क्या होगा, अरे भाई जुड़ने जोड़ने से मधु की मक्खी जो इकट्ठी होते हैं आप देखें उस पर एक पत्थर फेंक कर क्या हाल होगा, तो इसलिए आप देखेंगे कि एक शेर को छोटे छोटे बम बंदर भी मार देते हैं अकेले को, और बंदर झुंड में होते हैं तो उसको कोई नहीं छेड़ता। अगर जिस परिवार में जिस बाप के अगर 4 बेटे हैं और 4ों बेटे इकट्ठे हैं तो आप अनुमान लगाओ केवल 4 बेटों से भी पूरा गांव डरता है। तो इसलिए जुड़ने से ये ताकत हमें मिलेगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करें। इसमें जो जहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र होता है, जहाँ जिसकी सरों की गिनती होती है उसकी वहां ताकत होती है। आप देखेंगे जितने भी संत हैं, अपने आप संत कहते हैं, वह सारे राजनेता क्यों जाते हैं, संत में अगर इतनी शक्ति होती, अदृश्य शक्ति होती या कोई भगवान की शक्ति होती तो वहां जाने की जरूरत नहीं होती, वहां क्या करने जाते हैं, वहां सरों को लेने जाते हैं, वहां आपकी वोटों को लेने जाते हैं, लेकिन वो वहां क्यों जाते, इसलिए जाते हैं। तो इसलिए आप अगर जुड़ जाएंगे
पूरे देश में जितने भी लोग हैं गांव गांव में आप संघ की टीमें बना देंगे, सारे जितने संगठन, आज मैं कहता हूं आज जितने भी दलितों के संगठन है, जो समण संघ के संगठन है, जो एससी बीसी और माइनॉरिटी की संगठन है, अगर वो अपने आप को संघ में परिवर्तन कर दें तो आप देखें कल प्रधानमंत्री जो आपकी बातें हैं, जो आपका रिजर्वेशन, आपका जो बजट है, आपका जो एट्रेस्टी है, आपके जो तमाम दूसरे जो ना हिस्सेदारी है, जो देश का बंटवारा उस टाइम आपके साथ अन्याय हुआ, जो जो इस देश में बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ संसाधनों का, आपकी सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? इसलिए मिलनी शुरू हो जाएंगी कि भी आज अगर पड़ोस में हमारे 38% जो ना लोग काम करते हैं पंजाब के अंदर, यानी इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से काउंटिंग होती है देश में, जब भी बजट बनता है उसको देखा जाता है, जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो देखा जाता है किसका क्या है, बजट में प्रस्ताव कैसे आता है लोगों की संख्या के आधार पर, लोगों की आवाज के कारण आता है। तो आपकी आवाज मर चुकी है। अगर कोई भाई ये कहे कि जो मैंने काम कर लिया, तो इसलिए मेरा अनुरोध है जिन्होंने छोटे छोटे संगठन बना रखे साथियों, उसको मर्ज कर ले, आप छोड़ दे, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, केवल जयंती मनाने से और बाबा साहब की चार बात करने से कोई होने कुछ होने वाला नहीं, हो नहीं रहा, बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है और हमें जो है ना सारे लोग इसमें जुड़े, यहाँ जो है ना किसी प्रकार का किसी के साथ किसी एक आदमी की कोई दादागिरी नहीं होगी, हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ एक संघ में काम करेंगे। तो इसलिए ज्यादा ना कहते हुए हमें जो है ना इकट्ठा होना चाहिए और इसके लिए हमें, अब कोई साथी कहता जूम जूम पर काम चलेगा, जूम जूम से काम नहीं चलेगा, हमने दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। हम जो है ना जैसे फिजिकल मीटिंगें भी काफी कर चुके हैं, कोविड की वजह से फिजिकल मीटिंगें नहीं हो पा रही थी, आप चार आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, पांच आदमी रोजाना उस पर चर्चा करें, आज आप देखेंगे 400-450 लोग यहाँ जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी भी 337 लोग जो है ना बैठे हैं। अगर हर घर में चार आदमी लगाएंगे तो कितने लोग सुन रहे हैं, तो इसको आगे के आगे फैलाएं, और ये बात बहुत दूर तक फैल चुकी है। और जो लोग बोलते भी नहीं, केवल आपको पार्टिसिपेट आपकी बात सुनने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी मैं साधुवाद करता हूं कि आप लोग हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। हम किसी स्वार्थ से काम नहीं कर रहे, हम केवल इतना जरूर है, और ज्यादातर जिन लोगों ने अगुवाई की है वो लोग अपना जो ना बहुत कुछ अपना कमा कर जो ना वेल सेटल है, उन लोगों ने अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली बच्चों के लिए, आने वाले हमारे मान सम्मान के लिए, हम इकट्ठा होना चाहिए, और इकट्ठा केवल संघ हो सकता है, और संघ के रूप में हम काम करें। इसलिए जो ना बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू वेरी मच। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
Sangam Sarnam Garchami.